वो भी एक दौर था जब लोग एक ही तरह के सीरियल देखते थे, एक ही तरह की खबरें सुनते थे और एक ही तरह के विचारों के साथ जीते थे। कमर्शियल चैनल्स की लोकप्रियता से पहले लोग सादगी से भरे धारावाहिक के दीवाने थे। दूरदर्शन पर आने वाले शक्तिमान के लिए जहां बच्चे पूरे हफ्ते इंतजार करते थे, वही 8 बजे की रामायण हर घर का खास हिस्सा थी। दूरदर्शन उस दौर में केवल एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का जरिया भी था। आज टीवी चैनल्स और मोबाइल पर आने वाले कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब पहले वाली वो बात नहीं है। इसलिए भूली बिसरी यादों को तरोताजा करने के लिए हम आज लाए हैं 10 ऐसे लोकप्रिय शोज जो कभी दूरदर्शन के जरिए लोगों के दिल में बसते थे। नंबर 10, ब्योमकेश बख्शी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ब्योमकेश बख्शी को आपने बेशक देखा हो, लेकिन आपको बता दें कि इस किरदार को पर्दे पर उतारने की शुरुआत दूरदर्शन से ही हुई थी। 1993 में शुरू हुए इस धारावाहिक की कहानी शारा दिंदु बनोपाध्याय के बंगाली नॉवल फिक्शनल डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी पर आधारित थी। ये अपने तरह का पहला सीरियल था जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन जैसे एलिमेंट्स देखने को मिलते थे और दर्शकों के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसीलिए इसे देखने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी। आज भी सोशल मीडिया पर हमें सीरियल की कई क्लिप्स देखने को मिल जाती है जो बीच बीच में वायरल होती रहती है। नंबर 9, विक्रम और बेताल। दूरदर्शन पर इंडियन मैथोलॉजी से जुड़े धारावाहिक केवल महाभारत और रामायण को ही एयर नहीं किया गया था बल्कि 1985 के दौर में बेताल पच्चीसी की किताब पर बना सीरियल विक्रम और बेताल भी दर्शकों की जान हुआ करता था। इस धारावाहिक के जरिए विक्रमादित्य की कहानी को दिखाया जाता था जहां उन्हें हर सवाल के सही जवाब देने होते थे। इस सीरियल में राजा विक्रम के किरदार में अरुण गोविल नजर आते थे जिन्होंने बाद में रामायण में राम का किरदार भी अदा किया था। 1985 में विक्रम बेताल दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ था कि 1988 में रामायण के बाद इसे दोबारा दूरदर्शन पर एयर किया गया और दर्शक भी इस कहानी को दोबारा चाव से देखा करते थे। नंबर 8, आप बीती। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम में हर तरह के जॉनर का ख्याल रखा जाता था। तभी तो 2001 में दर्शकों को एक नया जायका देने के लिए हॉरर शो आप बीती को एयर किया गया। भूत प्रेत की कहानियों से जुड़े इस सीरियल को दूरदर्शन पर बेहद कम ही वक्त में एक बड़ी पहचान मिल गई। ये अपनी तरह का पहला हॉरर शो था जो टीवी पर दिखाया गया था और लोग इसे बड़े चाव से देखते थे। हालांकि साल 2001 में लोगों का रुझान प्राइवेट चैनल्स की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस सीरियल ने दोबारा लोगों को दूरदर्शन से जोड़ा। आप बीती को प्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीआर चोपड़ा ही थे और वो आप बीती धारावाहिक के साथ ही ऑडियंस से कनेक्ट होने में सफल हो पाए थे। नंबर 7, अलिफ लैला। दूरदर्शन पर एयर्ड कुछ शानदार सीरियल्स में से एक अलिफ लैला भी था। उड़ती कालीन, जादू, परिया और चिराग के कॉन्सेप्ट के साथ ये सीरियल एक फैंटेसी कहानी थी जो कि अरेबियन नाइट्स बुक से ली गई थी। उस दौर में लोगों के लिए इस तरह के जादू को छोटे पर्दे पर देखना बिल्कुल नया था, इसलिए इस धारावाहिक की एक अच्छी खासी व्यूअरशिप बिल्डअप हो गई थी। 1993 में शुरू हुए इस सीरियल को आनंद सागर, प्रेम सागर और मोती सागर ने मिलकर बनाया था और ये करीब 5 साल तक दर्शकों को मनोरंजित करता रहा। नंबर 6, शक्तिमान। आज दुनिया भर में मार्वल और डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरोज का जलवा जरूर है, लेकिन केवल मिलेनियल्स ही जानते हैं कि किसी जमाने में सुपर हीरो का मतलब ही शक्तिमान था। रविवार का दिन आते ही बच्चों की नजर घड़ी की टिक टिक पर अटकी रहती थी और सभी को 12 बजने का इंतजार रहता था। दूरदर्शन के इस धारावाहिक में शक्तिमान के किरदार में मुकेश खन्ना नजर आते थे जो अक्सर बच्चों को छोटी मगर काम की बातें सिखा जाते थे। बच्चों का शक्तिमान से लगाव कुछ ऐसा जुड़ गया था कि वो इस सुपर हीरो के एग्जिस्टेंस को सच मानने लगे थे। कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी जब सुपर हीरो को कॉपी करने की कोशिश में बच्चों ने अपनी जान खतरे में डाल ली थी। ऐसे में कई बार इस शो को बैन करने की चर्चा भी हुई, लेकिन बच्चों में शक्तिमान का क्रेज कुछ ऐसा था कि 1997 से शुरू हुए इस शो को आखिरकार 2005 में बंद किया गया। नंबर 5, फौजी टीवी सीरीज। फौजी टीवी शो का जिक्र शायद आपके लिए नया हो, लेकिन घर के बड़े जानते हैं कि आज दुनिया भर में लोकप्रिय शाहरुख ने भी कभी अपने करियर के शुरुआती दौर में इस टीवी शो को किया था। अभिमन्यु राय के तौर पर उनके अहम किरदार को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। राजकुमार कपूर द्वारा डायरेक्टेड इस टीवी सीरीज की कहानी इंडियन आर्मी में रिक्रूट होने वाले कमांडो रेजिमेंट के इर्द गिर्द घूमती थी। हालांकि शाहरुख इस सीरीज में सेकंड लीड में थे, लेकिन लोगों को उनका किरदार इतना पसंद आया कि सेकंड लीड को ही मेन लीड दिखाने के लिए काफी हद तक स्क्रिप्ट भी बदलनी पड़ी। कई लोग आज भी शाहरुख को दूरदर्शन के इस पॉपुलर शो के लिए याद करते हैं। ऐसी पॉपुलैरिटी के चलते ही लॉकडाउन में सीरीज को दोबारा टेलीकास्ट भी किया गया था
YouTube पर आपको इसके कई एपिसोड भी देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, रंगोली। 80 और 90 के दौर में भारत के ज्यादातर घरों में रविवार की सुबह एक जैसी होती थी। हर गली से पुराने सदाबहार गीतों की मधुर आवाज सुनाई देती थी और इससे अंदाजा लग जाता था कि दूरदर्शन पर रंगोली कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम गांव घरों को बड़े पर्दों से जोड़ने का काम करता था। इसमें नए गीतों को जरूर दिखाया जाता था, लेकिन ज्यादातर सदाबहार पुराने गीतों को ही तवज्जो दी जाती थी। अब क्योंकि उस समय गीत संगीत सुनने के संसाधन सीमित थे, इसीलिए बच्चे, बूढ़े, जवान हर किसी को रविवार का बेसब्री से इंतजार रहता था। इस कार्यक्रम को केवल भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका में भी बड़े चाव से देखा जाता था। रंगोली के कुछ शुरुआती सीजन्स को तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी होस्ट किया था, लेकिन बाद में ये शो सुरवीन चावला, श्वेता तिवारी जैसी टीवी एक्ट्रेसेस को मिल गया। हालांकि आज भी रंगोली दूरदर्शन पर बरकरार है, लेकिन इसे देखने वालों की भीड़ अब सिमट कर रह गई है। नंबर 3, मालगुडी डेज। आर के नारायण के किस्से कहानियों को आपने बेशक किताबों में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि किसी जमाने में ये शॉर्ट स्टोरीज दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ करती थी। 1986 में शुरू हुआ मालगुडी डेज एस शंकर नाग और कविता लंकेश के डायरेक्शन में बनी टीवी सीरीज थी, जिसमें हर बार कुछ नई कहानियों को दिखाया जाता था। बच्चों के बीच इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मालगुडी डेज की कहानियां हमें YouTube पर देखने को मिलती है। इस सीरीज की सबसे लोकप्रिय कहानी स्वामी एंड फ्रेंड्स थी, जो बच्चों की टेक्स्ट बुक का भी हिस्सा रही है। नंबर 2, महाभारत। 1988 में वेद व्यास की पौराणिक कथा पर आधारित सीरियल महाभारत को दूरदर्शन पर शुरू किया गया और अपने पहले ही एपिसोड से ये धारावाहिक घर घर का हिस्सा बन गया। बीआर चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस्ड महाभारत का हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का होता था और इसे देखने के लिए लोग काम छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाते थे। इस दौर में पंडित नरेंद्र शर्मा, राही मासूम राजा द्वारा स्क्रिप्टेड महाभारत को इतना पसंद किया गया कि ये सीरियल भारतीय टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन साबित हुआ। इसके बाद स्टार प्लस, 9X जैसे कई चैनल्स पर महाभारत को दोबारा रिक्रिएट जरूर किया गया, लेकिन किसी को भी वो आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिली जो पुरानी महाभारत की थी। नंबर 1, रामायण। बात हो दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय सीरियल की, तो रामायण बाजी मार लेती है। ये दूरदर्शन का अब तक का सबसे चहेता टीवी शो रहा है, जिसे लोग आज भी सम्मान की नजरों से देखते हैं। उस दौर में पूरा परिवार मिलकर इस कथा का इंतजार करता था। हालांकि कमर्शियल चैनल पर आज भी कई बार रामायण को एक नए जायके और आर्टिस्ट के साथ बनाया जाता है, लेकिन दूरदर्शन वाली रामायण का आज भी कोई कंपटीशन नहीं है। रामानंद सागर के डायरेक्शन में बने इस सीरियल में भगवान राम के किरदार में अरुण गोविल और सीता के किरदार में दीपिका चिखिला गांव घरों में इतने लोकप्रिय थे कि लोग उन्हें भगवान की दृष्टि से देखते थे। इसी सम्मान और प्यार का नतीजा है कि लॉकडाउन में रामायण को दोबारा टेलीकास्ट भी किया गया था। तो ये थे दूरदर्शन के कुछ ऐसे रंगारंग कार्यक्रम जिन्होंने कभी भारतीयों को मनोरंजन की दुनिया से वाकिफ करवाया था। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हालांकि शानदार कंटेंट बनाने वाले चैनल्स और प्रोडक्शन हाउस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन गोल्डन शोज की जगह इररिप्लेसेबल है। दोस्तों, अब इनमें से कौन सा टीवी शो आपके दिल के करीब रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।